हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू ऑल अबाउट ड्रोन इन एग्रीकल्चर ड्रोन्स का यूज़ तो नॉर्मली हम बहुत सारे प्लेस पे करते हैं सच एज फोटोशूट्स के लिए एंड बहुत सारी शूटिंग्स करने के लिए भी बट अब एग्रीकल्चर में भी ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव हो चुका है सो लेट्स कम विथ मी एंड जस्ट ट्राई टू नो अबाउट वॉट इज ड्रोन अ ड्रोन इज़ अ फ्लाइंग रोबोट डैट कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड or fly autonomously using the software controlled flights planes in its embedded system that work in conjunction with onboard sensors and a global positioning system means gps what are the important features it helps in soil and field analysis or planning crop monitoring pesticide spraying planting and seedling security pollinations and for pollination it is recently discovered in japan साइंटिस्ट एंड इन आवर इंडिया इट इज़ जस्ट गिवेन बाई नरेंद्र सिंह तोमर हु इज़ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन इंडिया नाउ एंड ड्यूरिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव देर इज़ अ सब्सिडी ऑफ किसान ड्रोन मीन्स जो फार्मर्स ड्रोन लेना चाहते हैं उन्हें सब्सिडी दी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू हंड्रेड परसेंट कॉस्ट उन्हें दी जाएगी एंड फार्म मशीनरीज में ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो होंगे आई में या फिर के में या फिर एस यूज में वहां उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी एपियोर्स आर प्रोवाइडेड अ ग्रांट सेवेंटी फाइव परसेंट फॉर परचेज ऑफ द ड्रोन एंड फिफ्टी परसेंट मैक्सीम फाइव लैक्स एस सी एस टी स्मॉल एंड मार्जिनल एंड वुमेन एंड फार्मर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू बाई द ड्रोन्स फोर्टी परसेंट रुपीज फोर्टी फोर लैख फॉर अदर फार्मर्स एंड फोर लैख फॉर सी एच सी एस मीन्स फोर्टी परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट मीन्स फाइव लैख फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एस्टैबलिश मीन्स जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वो भी ड्रोन्स ले सकते हैं फिफ्टी परसेंट पे मीन्स फाइव लाख की सब्सिडी पर अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एज वी ऑल नो कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल इश्यूज गाइडलाइन फॉर यूजिंग द ड्रोन्स टू स्प्रे द पेस्टिसाइड क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स का स्प्रे जो होता है वो ट्रैक्टर मॉनिटर्स के हेल्प से होता है या फिर मैनुअली होता है एंड इससे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हमें पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है तो हम गमछा बांध लेते हैं या फिर इसका अगर रियल थिंग देखें तो उसके लिए एक अलग कॉस्ट्यूम आती है बट जो स्मॉल फार्मर्स है वो नहीं कर पाता है सो so,

एंड मैनुअली तो बहुत सारा वाटर और पेस्टिसाइड वेस्ट हो जाता है बट ड्रोन्स uh, की हेल्थ जब देखेंगे हम तो ईजीली वेस्ट भी नहीं होगा और उसका अच्छा यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा ऑन द अदर हैंड ड्रोन्स वेस्ट स्प्रेज रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर पेस्टिसाइड ड्यू टू बेटर एप्लीकेशन एंड एफिशियंसी द एडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी विल डिपेंड मोर ऑन इट्स कॉस्ट सिंस ओवर द एटी परसेंट ऑफ द फार्मर्स इन द कंट्री होल्ड लेस देन द टू हेक्टर्स देन बेनिफिट क्या क्या होंगे ये जान लेते हैं यह रिड्यूस करेगा जो hazards, chemicals है जो बहुत डेंजरस केमिकल्स है उन, उनका एक्सपोजर होने से इंस्योर जुडिसियस यूजेज ऑफ द इंसेक्टिसाइड इन द क्रॉप इंक्रीज द एफिशियं ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स बाई रिड्यूसिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट रिड्यूसिंग टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स एंड सेविंग द ड्रिफ्ट To involvement along with reducing the exposure to human being to hazards chemicals. And mm -hmm. uh, drones lena unke liye registration. Karana padta hai. Already padta hai. Any operators has to register for drone based application of pesticide from the Central Insecticide Board and Registration Committee, means CIB and RC, apart from conforming to the drone rules of the Director General of the Civil Aviation. This will help to create the local entrepreneurship as capital expenditure about rupees 14 to 15 lakh will be required for one drone. One drone can cover two hectares of land in 30 to 40 minutes only. So boha zada time save very effective in pest control. 35 to 45% of the pesticide application in the farmland of China is currently drone done through drones. and चैलेंजेस क्या क्या आते हैं एग्रीकल्चर फार्म में तो नॉर्मल चैलेंजेस जो है सॉइल एंड फील्ड प्लानिंग तो उसमें क्या होता है ड्रोन कैन बी यूज फॉर द सॉइल एंड फील्ड एनालिसिस फॉर द इरीगेशन फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द चेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लेवल मॉइस्चर कंसनट्रेशन एंड इरोजन अमंग अदर्स नेक्स्ट वन इज क्रॉप मॉनिटरिंग क्रॉप सर्वेलेंस डैट कैन ट्रिगर एक्शन टू मिटिगेट द इफेक्टिव ऑफ effects of various biotic and abiotic stresses on the crop site-specific agronomy to optimize the crop to inputs and promote the sustainable farming crop protection from the weeds pests and diseases drones are capable of spraying precise amount of the insecticide weed and diseases control product in a way that can ensure the correct to minimize the accidental exposure to application एंड कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं ड्रोन्स को लेने में तो रेगुलेटरी वर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लिमिटेड फ्लाइट टाइम एंड रेंजेस वायबल एंड कमर्शियल मॉडल एज वी ऑल नो कि अगर कहीं हमें बेनिफिट्स मिलती हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही हैं एंड जब हमारा दो हेक्टेयर का लैंड तीस से चालीस मिनट में तो उसमें हर जगह स्प्रे कर सकते हैं इरिगेशन कर सकते हैं एंड ये इजीली ये इंडिकेट कर सकता है ये मॉनिटर कर सकता है कि कहाँ इंसेक्ट्स हैं कहाँ वाइल्ड एनिमल्स आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को चेक कर सकता है तो फिर हमारे लिए क्या चाहिए तो थोड़ी बहुत हम चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं अगर इतनी सारी बेनिफिट्स हमें मिलने वाली हैं तो एंड्रोन्स का ये जो गाइडलाइन आया था ये ट्वेंटी में आया था एंड इस वीडियो को मैंने इसलिए अटैच किया है क्योंकि मेरे जो सीनियर्स से हैं जहाँ गए हुए हैं मीन रांची उनकी प्लेसमेंट हुई है तो वहाँ पे उन्हें ड्रोन से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज दी जा रही है एंड उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है इसलिए मैंने इसको अटैच किया था ये सारे फोटोज़ एंड वीडियोस तो थैंक्स टू तो माय सीनियर जिसने मुझे ये सारे वीडियोस प्रोवाइड किए फोटोज प्रोवाइड किए एंड मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल मतलब कि मैंने कलेक्ट किया बहुत जगह से गैदर किया कि ड्रोन्स का क्या यूज़ है इन्फॉर्मेशन है सो गाइज I hope you all like my video and please don't forget to like, subscribe, and share. And keep loving my videos. Love you all and bye bye. Thanks for watching my video. See you soon in my next video.